सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग डायरेक्ट टीवीएस की सर्विस सेंटर से हो रही है, क्योंकि मैंने गोप्रो माउंट ही किया एंड मैं डायरेक्ट एक्सपो से घर नहीं गया था। गुड़गांव मैं भाई के पास रुक गया था, तो अभी मैं फिर आज डायरेक्ट विदाउट गोप्रो माउंट किए मैं सर्विस सेंटर ओम टीवीएस में आया हूँ। सो यार, जैसे कि आपको पता है कि मेरा टीएफटी लास्ट टाइम मैं सर्विस करवाने आया था, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे उसमें क्या क्रैक आ गया, तो अभी मैं वो चेंज कराने आया हूँ। सो कैसे हो केपी भाई? तो अभी अपना ये देखो, ये यहाँ पूरा क्रैक आ गया, तो अभी अपनी ये टीएफटी चेंज होगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो अभी टीएफटी चेंज होगी। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सच में एक बार सुन के मेरे को भी शौक लगा था, ये छोटा सा 5 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 25,000 रुपये का है, 25,000 कोस्ट करता है। सो देखते हैं क्या, वैसे तो संतोष भाई हैं तो देखते हैं, बट यार इतने महंगे पार्ट्स RR310 TVS, सो देखते हैं कैसे क्या होता है। सो मिलते हैं। सो भाई, अपना टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उतर चुका है और ऐसा कुछ, बस साइड से दो पैनल्स खोलें एंड उसके बाद डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। और ये उसके केबल्स, केपी भाई किस वजह से क्रैक आया होगा ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि यहाँ तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता किसी भी चीज़ का, कुछ भी हो सकता है। और ये हमारा छोटा सा, ये देखो, ये यहाँ पर पूरा क्रैक आपको दिख रहा होगा ये। सो इसको बाय बाय बोलते हैं एंड ये अपना नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे कुछ पैकिंग में आता है फुल सिक्योरिटी के साथ, क्योंकि भाई ये 25,000 रुपये का आता है, इसलिए रैपिंग में कोई कमी नहीं छोड़ते। आ हाँ, मज़ा आएगा इसके साथ। तो भाई ये अपना बिल्कुल नया क्लस्टर, कैरी ऑन केपी भाई। तो अभी मीटर रीडिंग सेम रहेगी केपी भाई? अरे मेरे को लगा जीरो हो जाएगा। अगर सेट करना पड़ेगा, जीरो नहीं लग सकते ना। हाँ, वारंटी के लिए बाद में। ये तो है, बट मेरे को चल चुका है। हाँ, वैसे इस पे भी भाई हमने कोई स्क्रैच, नया ये भी था, मैंने इस पे पूरा ग्लास वगैरह लगा के रखा था, बट ये भी नया था, बट उसकी अब बात ही कुछ और है। एंड एक दो छोटी छोटी और हैं, एक गियर लीवर थोड़ा सा अपना हार्ड हो रखा है, उसको चेंज कर, मतलब उसको फिर से केपी भाई फिक्स करेंगे। एंड एक दो छोटी छोटी मिनिमम सी आवाज़ें आ रही हैं पीछे की तरफ से। अपना ये मीटर लग चुका है अभी, अमेजिंग, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि नई बाइक है, क्योंकि सामने दिखता ही है। वैसे भी अपनी रुद्रा नई जैसी ही है, भले ही 2 साल होने वाले हैं, बट कंडीशन बिल्कुल A1। सो अभी मीटर को कनेक्ट करेंगे और वापस से ही इसको 16,000 जो भी मीटर की रीडिंग पहले थी वही सेम। अभी देखिए अपनी बाइक चली नहीं है, सो अभी फिर से केपी भाई सेट कर देंगे इसको। सो भाई हो चुकी अपनी बाइक ECU से कनेक्ट, ऐसे कुछ कनेक्ट होती हैं, एंड वहाँ पर इसका टैबलेट है जो कि केपी भाई अब इसकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग वापस से मीटर की रीडिंग को सेम एज इट इज़ जो थी 16,800 समथिंग था, तो वही कर देंगे। एंड अभी उसमें मैं आपको दिखा दूं, अभी यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो है,
अभी जल्दी अपनी बाइक में मैजिकली चेंज हो जाएगा। और अगर मैं आपको इसका बॉक्स से प्राइस दिखाऊं क्लस्टर का, सो ये आप देखिए 23,406। तो यार काफ़ी महंगा है, बट वही है, कुछ कर भी नहीं सकते, अब चेंज तो करवाना पड़ेगा ही। तो चलिए कराते हैं चेंज। एंड हो गया, ये देखो 16,850 हो गया भाई अपना मीटर चेंज, मतलब किलोमीटर चेंज मीटर में। सो भाई अभी अपनी बैटरी की रीडिंग चेक कर रहे हैं कि वो डाउन तो नहीं जा रही है। ठीक है केपी भाई, परफेक्टली, या इससे कम सेल्फ मार के देखो कि डाउन जा रही है नहीं। कितना डाउन जाएगा? तो अभी वोल्टेज है 12.61। हाँ तो वैसे होना नॉर्मली कितना होना चाहिए? तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम बैटरी चार्ज करवाई थी, तो उसके बाद मतलब दिक्कत नहीं आई है बाइक ने, ऐसा नहीं है कि सेल्फ नहीं ली, बट थोड़ी सी लंबी सेल्फ ले ली है, तो इसलिए जस्ट नॉर्मली चेक करवा लिया कि ज़्यादा डाउन जा रही है या नहीं। तो 10 तक वो जा रही है, तो 10 तक नॉर्मल है, इतना चल जाएगा। और आगे फिर अभी जैसे सर्दियों में आपको पता है बैटरी जल्दी डाउन होती हैं, तो एक महीने बाद तो वैसे ही गर्मी आने वाली, तो चल जाएगी। सो अभी और चेंज कराते हैं। एंड ये लास्ट टाइम मिला नहीं था, अभी पूछते हैं केपी भाई से, अगर अवेलेबल होगा तो ये भी चेंज करवाएंगे, क्योंकि इसमें आवाज़ आ रही है देखो, तो इसको चेंज करवाएंगे। सो भाई अभी जा रहे हैं एक टेस्ट ड्राइव के लिए छोटी सी, कि जो जो आवाज़ है वो पता चले कि कहां से पीछे की तरफ से कहीं कट कट की आवाज़ आ रही है। हेलमेट लगाने के बाद वो आवाज़ पता नहीं चलती है, बट वैसे जब नॉर्मली मैं चलाता हूँ तो उस टाइम पे वो फील होती है। सो भाई हो चुका है अपनी बाइक का काम और चेंज हो गया। अभी मैं आपको टाइम बता दूँ, सो 1 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं 12 बजे पहुँच गया था, सो 1 घंटे में अपना काम हो गया, बट इंडिकेटर अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी वो अवेलेबल नहीं है। एंड बिलिंग वगैरह हो चुकी है यहाँ पर, और 100 रुपये ये आप फोकस कर ले भाई, तो अपना बेसिकली 100 रुपये बिल आया है, और अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन वारंटी चेंज हो गया, तो ये 100 रुपये भी लेबर कॉस्ट है। सो थैंक यू संतोष भाई एंड थैंक यू TVS यार कि हाँ इन वारंटी वो चेंज हो गया। सो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ, सो लेट्स गो। सो भाई ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके हैं, और जो आज इसमें मतलब मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कुछ चेंज आएगा, बट फिर भी अब जैसे इसमें ये देखिए, अभी जैसे ही मेरी स्पीड 60 से ऊपर जाएगी, ये स्पीड अलर्ट का आ गया ऊपर अलग से, और ये रेक्टेंगल शेप में पूरा ब्लिंक करने लग जाएगा। सो ये था इसमें कुछ चेंज, और जैसे जैसे ये चेंज पता चलेंगे, अभी तो मेरे को सिर्फ यही चेंज पता चला है इसमें, तो जैसे जैसे चेंज पता चलेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। सो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मैंने रास्ते में इसलिए नहीं किया कि क्या ही था, सिर्फ ट्रैफिक था दिल्ली में भाई, भर के ट्रैफिक था, मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे आने में। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और यहाँ तक अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, हर हर महादेव, टेक केयर।